कर रही हैं आप सभी के बीच हमारी इस खास रिपोर्ट में आज एक बार फिर से दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन के बारे में। वल जया बच्चन के बारे में हम यहाँ पर बात इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि जया काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से दूरी बनाना पसंद करती हैं, लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने घर पर सबसे ज़्यादा जया बच्चन ही करती हैं। जया बच्चन के कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम आपके बीच ज़रूर रिवील करना चाहेंगे। जी हाँ, डार्केस्ट सीक्रेट्स ऑफ जया बच्चन। क्या आपको मालूम है कि जया बच्चन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। थाली विवाद को लेकर बीते साल जया काफ़ी प्रॉब्लम थी। कंगना रनौत ने थाली वाले जया बच्चन के बयान का उल्टा जवाब दिया। इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी उन्हें सुनाई, काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके के शब्दों का प्रयोग भी हो। जब रवि किशन पर पार्लियामेंट हाउस में जया बच्चन भड़क उठी थी, इसके पहले जया बच्चन ने शाहरुख को थप्पड़ मारने की बात की थी। साल 2008 की बात है। चलते चलते फिल्म से ऐश्वर्या को बैकआउट करना पड़ा था SRK की वजह से, क्योंकि सलमान से काफ़ी डरे थे शाहरुख। सलमान ऐश्वर्या का हुआ था ब्रेकअप और इसके बाद कटरीना के बर्थडे पर शाहरुख ने ऐश्वर्या को लेकर कुछ रफ रिमार्क्स किए सलमान खान को गुस्सा दिलाने के लिए। जया से काफ़ी नाराज थे, जीरो एक्टर पर काफ़ी भड़की थे जया, और उन्होंने कहा था कि मैं उसे थप्पड़ मार देती अगर वहाँ होती। ऐसे में आपको बता दें कि शाहरुख की फिल्म ड्रोना के प्रीमियर के दौरान ह्यूज डिफरेंस देखा गया और मिसेस बच्चन ने कहा भी कि काफ़ी ज़्यादा वो हैरान थी। SRK उनके वीकनेस है, लेकिन वो उनके बहू को लेकर ऐसा कहें तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ऐश्वर्या राय बच्चन को एक बार ऐश किसे ने कहा, जया तब भी भड़की, पैपराइजी से कहा उनका पूरा नाम ऐश्वर्या है, ये ऐश्वर्या क्या होता है, तुम्हारी क्लास में पढ़ती हैं क्या, शी इज़ योर क्लास मिस क्या, रिस्पेक्टफुली बोलो ऐश्वर्या, मैम बोलो। मदर इन लॉ जया बच्चन ने अपनी बहू के पक्ष में जमकर लड़ाई की। स्कूल स्टूडेंट के पर भी एक बार एक कॉलेज में उनके इनडिसिप्लिन होने पर जया बच्चन भड़की थी। वो बोली थी कि इट्स वेरी अनोइंग, आई हैव अ फ्रीडम टू से नो फ्रॉम बीइंग फोटोग्राफ्ड। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, तो आपका मेरे सामने फ़ोटो क्लिक करना, मेरी आंखों में पड़ना, ये बहुत ही इनडिसिप्लिन है। जया बहुत गुस्सा में नजर आए, उन्होंने कहा फ़ोटो खींच लीजिए फिर मैं बात करूँगी, ये कहकर वो भड़क उठी थी। इतना ही नहीं, 11 लाख रुपये को लेकर BJP की यूथ लीडर ने कहा था ममता बनर्जी के हेड को लेकर जया बच्चन पर। साल 2017 की बात है ये, जया बच्चन बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा गायों को आप बचा सकते हैं पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, ये कहा था उन्होंने। जब कई तरह की बातें सामने आई थी, यहाँ तक कि आपको बताना चाहेंगे जया बच्चन ने स्पोक पर्सन को लेकर, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर अमिताभ बच्चन को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया था और कहा था मेरा नाम क्या है, बच्चन साहब को आप उनसे पूछिए ना उनके बारे में। जया बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वहाँ जाइए ना, प्लीज़ पूछिए ना व्हाट इज़ माय नेम, आस्क बच्चन सर अबाउट हिम, हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन एल्सवेयर, यू कैन गो देयर एंड आस्क, प्लीज़ आस्क, आई एम नॉट द स्पोक पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई फैमिली। ये कह के जया बच्चन काफ़ी भड़की थी। तो ये कुछ विवाद है जया बच्चन से जुड़े। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।